योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जी हां साथियों, अगर आप एक शिक्षा मित्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो शिक्षा मित्र का मानदेय है उसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और यह बढ़ा हुआ मानदेय कितना होगा, कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि की जाएगी और क्या आदेश इसमें जारी हुए हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्र कई सालों से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय अगस्त 2017 में 3500 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये किया गया था, और उनका यह मानदेय भी काफ़ी कभी समय पर नहीं मिलता है। जो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया था वह अगस्त 2017 में 3500 रुपये बढ़ा करके 10,000 रुपये किया गया था। शासन की तरफ से जून महीने का मानदेय 6 जून को ही जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें यह मानदेय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में कुछ शिक्षा मित्र इस समस्या को लेकर भी आए थे, और मुख्यमंत्री ने जल्द ही उनकी समस्या का निस्तारण भी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। जो मुख्यमंत्री का जनता दर्शन था उसमें कुछ शिक्षा मित्र इस समस्या को लेकर आए थे, और अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से उस समय भी मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अनुपूरक बजट में भी इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। बजट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जो बजट है अगर उसकी मंजूरी मिलती है तो उसके बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के BTC शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि इस महंगाई में 10,000 रुपये में परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मानदेय को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति महीना किया जाए। और अब की बार जो शिक्षा मित्रों का मानदेय है उसमें 25% की बढ़ोतरी हो सकती है, और 10,000 रुपये से बढ़ा करके 12,500 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। तो साथियों, यह शिक्षा मित्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि उनके मानदेय में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है, और 10,000 रुपये से बढ़ा करके यह मानदेय 12,500 रुपये किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो यही थी जानकारी शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।